कैट फैमिली के लगभग सारे ही मेंबर्स बहुत खूंखार और जानलेवा शिकारी होते हैं, मगर क्या हो अगर इनमें से दो सबसे खतरनाक शिकारी शेर और ब्लैक पैंथर आपस में भिड़ जाए? किसकी होगी जीत और कौन मुंह की खाएगा? क्या लायन ब्लैक पैंथर को धूल चटा पाएगा या खुद ही धूल में मिल जाएगा? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ब्लैक पैंथर से झगड़े के वक्त राजा साहब की बादशाहत को भरपूर चुनौती मिलेगी, मगर अंत में जीत किसकी होगी ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। पहले हम बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। इसका नाम सुनते ही मोगली के दोस्त बघीरा की याद आ जाती है, कैसे वह बिना डरे शेर खान से भी भिड़ जाता है। खैर, शेर खान तो एक टाइगर है, शेर नहीं, मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्लैक पैंथर की जंगल के राजा बब्बर शेर से टक्कर की। ये कहानी थोड़ी अलग होने वाली है। ब्लैक पैंथर दरअसल तेंदुआ यानी लेपर्ड या जैगवार की प्रजाति का ही एनिमल है, मगर जो चीज इसे बाकियों से अलग बनाती है वो है इसका काला रंग और फुर्तीलापन। ये काला रंग ही है जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक, खूंखार और साथ ही साथ बहुत अट्रैक्टिव भी बनाती है। इसकी एक झलक ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली कर सकती है। ये काला रंग दरअसल इसके फर में मेलानिन पिगमेंट के बहुत ज्यादा मात्रा में होने की वजह से होता है, वरना तो फर के नीचे हल्के भूरे या पीले रंग के ही धब्बे होते हैं, जो नॉर्मली लगभग सारे ही तेंदुओं में होते हैं। तेंदुओं की ये प्रजाति बहुत ही रेयर है और इसलिए आसानी से देखने को नहीं मिलती। शारीरिक बनावट की बात करें तो ब्लैक पैंथर की लंबाई 35 से 65 इंचेस तक हो सकती है, यानी एक बिग LED स्क्रीन TV के बराबर। इस लेंथ में पूंछ इंक्लूडेड नहीं है, पूंछ की लंबाई अलग है, लगभग 24 से लेकर 45 इंच तक। हाँ, यहाँ जो एक बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि नर और मादा की साइज में बड़ा अंतर होता है। इससे बेहतर और शानदार शिकारी जानवर पूरे जंगल में कोई और हो ही नहीं सकता। एक तरफ जहाँ मेल ब्लैक पैंथर का वजन 90 किलोग्राम तक हो सकता है, वही मादा का वजन 60 किलोग्राम के आसपास होता है। अब बात करते हैं अजीम और शान शहंशाह लायन की। इसकी अकड़, इसकी चाल, इसका एटीट्यूड, निडर रवैया और गर्दन के आसपास बड़े बड़े बालों का एक गुच्छा बिल्कुल सही मायनों में इसे जंगल का राजा बनाते हैं। ये बस एक बार जोर से दहाड़ मार दे, जंगल का पत्ता पत्ता थर थर कांप उठे। इससे शानदार शिकारी पूरे जंगल में और कोई दूसरा जानवर नहीं है। साइज की अगर बात की जाए तो शेर की लंबाई करीब 75 से 85 इंचेस के आसपास होती है, जो कैट फैमिली में टाइगर के बाद सबसे बड़ी साइज है। इनकी पूंछ की लंबाई 30 से 35 इंच तक हो सकती है। अब जरा वजन पर तो गौर कीजिए, इनका वजन करीब 180 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। बापरे, अगर इनके साइज की तुलना ब्लैक पैंथर से की जाए तो एक बात तो साफ है कि शेर ब्लैक पैंथर से कई ज्यादा वजनदार और बड़े होते हैं, मगर सिर्फ साइज बड़ी होने से तो हार और जीत का फैसला नहीं हो जाता। इनकी हंटिंग स्किल्स, फुर्ती और बहादुरी के बारे में भी तो समझना पड़ेगा। अगर चुस्ती और फुर्ती की बात की जाए तो निश्चित तौर पर ब्लैक पैंथर की बॉडी शेर की तुलना में कहीं ज्यादा लचीली और फुर्तीली होती है, मगर शेर की बॉडी भी कुछ कम नहीं होती। इस तरह की कमाल की मस्कुलर बॉडी आप शायद ही किसी और जानवर की देखेंगे, जैसे कि शेरों की होती है। और फिर इनके गर्दन के आसपास के जबराले बाल भी तो इनके लिए एक प्लस पॉइंट होते हैं, जो इन्हें दुश्मन के वार से हमेशा बचाए रखते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी दौड़ने की स्पीड की, क्योंकि लड़ाई के वक्त दुश्मन का पीछा करना हो या जान बचाकर निकलना, तेज भागने का हुनर बहुत काम आता है। ब्लैक पैंथर की भागने की औसतन स्पीड होती है करीब 55 से 65 किलोमीटर पर आवर, वही एक शेर करीब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, यानी भागने के मामले में भी शेर ब्लैक पैंथर से तेज निकला। यहाँ एक बात तो पक्की है कि अगर इनके बीच अगर लड़ाई होती है तो ब्लैक पैंथर किसी वजह से अपनी जान बचाकर भागना चाहे तो शेर से ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाएगा और शेर उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटेगा। खैर, अभी दोनों की हंटिंग स्किल्स के बारे में बात करना बाकी है, तभी किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे हम। शिकार करते वक्त ये जानवर अपने जबड़े से जितना फोर्स लगाकर अपने शिकार को काटते हैं, उस फोर्स को PSI यूनिट्स में मापा जाता है, यानी जितनी ज्यादा PSI उतनी ज्यादा ताकत, और पकड़ को छुड़ाना उतना ज्यादा मुश्किल। बाइट फोर्स के मामले में ब्लैक पैंथर लायन से आगे है, क्योंकि एक तो ये शेर के मुकाबले ज्यादा लचीले और फुर्तीले होते हैं, साथ ही साथ बहुत अटैकिंग और अग्रेसिव नेचर के भी होते हैं, इसलिए ये काटते भी बहुत खतरनाक है।
ब्लैक पैंथर काटते वक्त अपने जबड़े से 1100 PSI का फोर्स लगाते हैं, वहीं शेर का बाइट फोर्स करीब 660 से 700 PSI के बीच में होता है। यानी एक बार अगर शेर की गर्दन ब्लैक पैंथर के जबड़े में अच्छी तरह से फंस गई हो तो राजा साहब को जान बचाना भारी पड़ जाएगा। ब्लैक पैंथर रौबदार दिखते हैं, वो एक्चुअली में उतने रौब वाले होते भी है। सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये हमेशा अकेले शिकार करते हैं। ये घात लगाकर चुपचाप एक जगह बैठे रहते हैं और शिकार के नजदीक आते ही उस पर आंधी की तरह टूट पड़ते हैं और बेचारे शिकार को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। इनकी एक खासियत ये भी है कि ये अक्सर रात को ही शिकार करना पसंद करते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि खुद काले होने की वजह से रात का अंधेरा इनके लिए किसी दोस्त से कम नहीं होता, और दूसरा रात के सन्नाटे में इन्हें छुपकर अचानक वार करने में सहूलियत होती है। इसके अलावा इनकी सूंघने की शक्ति भी लाजवाब होती है, यानी ये बहुत दूर से ही अपने फेवरेट फूड की गंध सूंघ लेते हैं और पहुंच जाते हैं ताबत उड़ाने। ये इतने खतरनाक और खूंखार होते हैं कि अपने पंजे के एक वार से शिकार की गर्दन धड़ से अलग करने की ताकत रखते हैं। ये ज्यादातर अपने बाइट फोर्स से अपने शिकार की खोपड़ी की हड्डी का चूरा कर देते हैं। जिन जानवरों का ये शिकार करते हैं उनमें खरगोश, हिरण जैसे छोटे जानवर शामिल होते हैं। रही बात समझदारी की, तो ब्लैक पैंथर का इस चीज से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये तो गुस्सैल किस्म के जानवर होते हैं जो गुस्सा आने पर किसी से भी भिड़ जाते हैं और उसकी हत्या करके ही दम लेते हैं। वही अगर शेर की बात करें तो ये एक सोशल एनिमल है जो भले ही इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन इंसानी वैल्यूज इनमें हमसे कहीं ज्यादा होती है। मतलब कि ये हमेशा अपने घर परिवार के मेंबर्स के साथ झुंड में ही निकलते हैं। बात चाहे शिकार करने की हो या धूप सेकने की, ये शायद ही कभी अकेले दिखे। हाँ, खाने के मामले में शेरों को दिन और रात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होशियार होते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसीलिए ये टीम वर्क में बिलीव करते हैं। यानी पूरा परिवार ही एक साथ पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ शिकार पर टूट पड़ता है और ऐसे में फिर बेचारे शिकार के पास बचने का कोई चांस ही नहीं होता। शेर के एक परिवार में नॉर्मली 4-5 शेरनियां होती है और एक शेर होता है, और जब शिकार की बात आती है तो शेरनियां ही मिलकर शिकार करती है। शेर महाशय तो कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही मैदान में आते हैं, खासकर तब जब शिकार बहुत ज्यादा मजबूत और बड़ा होता है और शेरनियों के बस से बाहर होता है, या फिर अर्जेंट शिकार की जरूरत होती है तब। ये बड़े अनुभवी शिकारी होते हैं और इतनी ताकत रखते हैं कि एक ही वार में अपने शिकार की गर्दन तोड़ दे। शिकार तो ये किसी का भी कर सकते हैं, सामने वाला चाहे कितना ही बड़ा या ताकतवर हो, मगर फिर भी ये अक्सर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए आमतौर पर छोटे और कमजोर जानवरों से ही पंगा लेते हैं, जैसे कि हिरण, जंगली सुअर, दरियाई घोड़ा और भेड़ वगैरह। ये ही आमतौर पर शेर का भोजन बनते हैं। अब दोनों के बारे में सारी बातें जान लेने और समझ लेने के बाद नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक पैंथर और लायन के बीच हुई लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी। ये तो साफ है कि ब्लैक पैंथर शेर से दो मामलों में आगे है, एक तो इनका बाइट फोर्स बहुत ज्यादा है और दूसरा ये काफी लचीले और फुर्तीले है। मगर सिर्फ इन्हीं दो खूबियों के दम पर ये शेर को चुनौती देने के काबिल नहीं हो जाता। शेर वजन के मामले में ब्लैक पैंथर से बड़े होते हैं और साइज के मामले में भी। उसके अलावा इनकी तेज दौड़, शिकार करने का हुनर, प्लानिंग करने का स्टाइल और इनके पंजे का दम, इन सारे मामलों में शेर ब्लैक पैंथर से कोसों आगे है। यानी अगर लड़ाई हुई भी तो शेर अपने पंजे के एक वार से ही ब्लैक पैंथर को दिन में तारे दिखा देगा, और अगर गलती से शेर की गर्दन ब्लैक पैंथर के जबड़ों के बीच आ भी गई तो भी उसके गर्दन के बाल ब्लैक पैंथर की पकड़ को मजबूत नहीं होने देंगे और शेर के पास मौका होगा ब्लैक पैंथर को मुंह तोड़ जवाब देने का। यानी नतीजा तो यही निकलता है कि शेर और ब्लैक पैंथर के बीच हुई लड़ाई में शेर के जीतने के फुल चांसेस है, वही ब्लैक पैंथर के नील बटा सन्नाटा। तो भाई मेरी तो यही सलाह रहेगी ब्लैक पैंथर भाई साहब को कि यार तुम एकदम हैंडसम हंक हो, बढ़िया खूबसूरत ब्लैक शाइनी कोट है, तो दूसरे जानवरों पर अपना रोब झाड़ो, बस राजा जी से पंगा मत लेना वरना आपकी काली चमड़ी पर खून और मिट्टी का ऐसा लेप लगेगा कि आपकी रोब भी जाएगी और खूबसूरती भी। हाँ, जान अगर बच गई तो गनीमत होगी। जंगल का तो यही नियम है, या तो किसी को जान से मारने के लिए लड़ो या जान बचाने के लिए लड़ो,
मगर लड़ना तो पड़ेगा। ऐसे में जब शेर और ब्लैक पैंथर के बीच जंग होती है तो टक्कर की लड़ाई तो होगी ही, मगर जीत होगी शेर की। अब ये तो है मेरा सोचना, आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर